गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में बाढ़ का कोहराम, जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट का हाल बेहाल, 5 की मौत, 7,500 का किया गया रेस्क्यू। जामनगर में 4,000, राजकोट में 3,200, पोरबंदर से निकाले गए 320 लोग, जारी है अभियान। जामनगर में बाढ़ का पानी निकलने के बाद सामने आया तबाही का मंजर, पानी में बह गया रेलवे का ट्रैक। जामनगर के नागेश्वर इलाके में मंदिर में फंसे 4 लोगों का वीडियो वायरल होने पर जागा प्रशासन, एयरलिफ्ट से किया गया रेस्क्यू। जूनागढ़ में एनडीआरएफ की टीम दिन रात राहत कार्य में जुटी, खेत में फंसे परिवार को बचाया गया। राजकोट में बारिश और बाढ़ का संकट गहराया, निचले इलाकों में भरा पानी। राजकोट की पुलिस ने पानी में गिरे लोगों को बचाया, कई लोगों की बचाई गई जिंदगी। जूनागढ़ के कुछ इलाकों में पानी अब घटा, अब बीमारी फैलने का खतरा। गुजरात के सीएम पटेल ने किया कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, लोगों ने बताई अपनी दिक्कतें। नासिक में लगातार बारिश और बाढ़ से बढ़ रहा है गोदावरी का जलस्तर, बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के विकासनगर में सवारियों से भरी गाड़ी पर गिरे पत्थर, 9 लोग घायल, सेना ने की मदद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश से हाहाकार, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से बढ़ी मुसीबत। सहरसा में बाढ़ पीड़ितों ने मंत्री जीवेश मिश्रा का किया घेराव, मुआवजे की मांग की। हाजीपुर में बांध टूटा, किसान खुद कर रहे हैं बांध की मरम्मत, तेज बहाव से सहमे लोग। हाजीपुर में टूटे बांध को छोड़ मंत्री की अगवानी में जुटे रहे अधिकारी, बह गया सड़क का बड़ा हिस्सा। जूनागढ़ में वंतली मालावदर हाईवे पर पानी आया, लोग खुद की जान खतरे में डालकर सफर को है मजबूर। शिमला के गांधन में नेशनल हाईवे 205 पर बारिश के बाद रोड धंसी, आवाजाही में दिक्कत। ओडिशा में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत, 2 दिन में झमाझम बरसात ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश, गरियाबंद में उफान पर है नदियां, निचले इलाकों में भरा पानी। मध्यप्रदेश के श्योपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल के लिए कोहराम, निर्माण में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रयागराज में डेंगू के केस बढ़े, आंकड़ा 100 के पार, प्रशासन ने छेड़ी मुहिम। कानपुर में डेंगू ने दी दस्तक, सरकारी अस्पताल में आए 2 मरीज। मुरादाबाद में वायरल फीवर से अब तक राहत नहीं, जिला अस्पताल के बाहर मरीजों का तांता। इंदौर में कुपोषित बच्चों की तादाद बढ़ी, आंकड़ा 1,000 के पार। आजमगढ़ में अब तक डेंगू से 5 मरीजों की पुष्टि, प्रशासन ने कहा दिल्ली और जौनपुर से आए हैं ये लोग। गुजरात के दाहौद में चमत्कारी रूप से बच गया एक शख्स, बस ने मारी थी टक्कर, बस के नीचे जा गिरा था युवक, बस के नीचे से जिंदा निकला युवक, सीसीटीवी फुटेज देखकर हैरान है लोग। राष्ट्रपति के शिमला दौरे की तैयारी, ड्यूटी पर तैनात 400 लोगों की डेंगू जांच जारी। बेंगलुरु में ऑस्कर फर्नांडिस के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया कांग्रेस दफ्तर के बाहर, लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे। अयोध्या में रामलीला स्थल का पूजन, विरोध करने वाले संत भी रहे मौजूद। सिंघू बॉर्डर पर जारी हुए किसानों का धरना, रास्ता खुलवाने के लिए आंदोलनकारियों के साथ बेनतीजा रही प्रशासन की बातचीत। पंजाब में किसानों ने तेज किया भारत बंद की तैयारी, घर घर जाकर लोगों से शामिल होने की कर रहे हैं अपील। 17 सितंबर को काला दिवस मनाएगी शिरोमणि अकाली दल, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद तक मार्च करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। अमृतसर में जलियांवाला बाग के बाहर शहीदों के परिवार के साथ किसानों का प्रदर्शन, नवीनीकरण को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हापुड़ में राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत, ओवैसी को बताया बीजेपी का चचा जान। मध्य प्रदेश के खरगोन में 4 जिलों के आदिवासियों का प्रदर्शन, दोषी डॉक्टर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आदिवासी संगठनों का आरोप, पुलिस की पिटाई की वजह से कैदी बिसन की मौत। बेंगलुरु में कार से टक्कर के बाद फ्लाईओवर से नीचे गिरी बाइक, 2 लोगों की मौत। फरीदकोट में कपड़े प्रेस कराने आए युवक को पड़ा दौरा, नीचे गिरते ही मौत। असम के बरपेटा में टीकाकरण केंद्र पर जुटी भीड़, जबरदस्त धक्का मुक्की। बिहार के छपरा में विदेशी शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में 3 तलाक मामले में याचिकाकर्ता रही महिला वकील फराह फैज पर हमला, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। अमरावती की वर्धा नदी में पलटी नाव, 3 लोग बाहर निकाले गए, 11 लापता। रेवाड़ी में चार्जिंग पर लगे मोबाइल गेम खेल रहे थे बच्चे, करंट लगने से झुलसे। भिलाई के स्कूल में बच्चों के साथ अश्लील हरकत करने वाले चपरासी को आजीवन कारावास, प्रिंसिपल को 1 साल की सजा। श्रीनगर में आज सुबह सुरक्षा बलों पर फेंके गए 2 ग्रेनेड, 1 भी नहीं फटा, बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किए। दिल्ली में आतंकी पाकिस्तानी मॉड्यूल का खुलासा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकियों समेत 6 संदिग्ध गिरफ्तार। सबसे पहले महाराष्ट्र में गया सलीम नाम का संदिग्ध, ओसामा और जीशान से मस्कट से पाकिस्तान जाकर ली आतंकी ट्रेनिंग। त्योहारों पर आएगी धमाके की साजिश रच रहे थे संदिग्ध आतंकी, दिल्ली समेत यूपी और महाराष्ट्र में स्पेशल सेल ने चलाया ऑपरेशन। आरोपियों के पास आईडी और आरजे बरामद, बड़ी मात्रा में हथियार और क्वालिटी पिस्टल जब्त।
अंडरवर्ल्ड से हुई आतंकी की फंडिंग। पुलिस के मुताबिक एक टीम को मैनेज कर रहा था दाऊद का भाई। यूपी से धरे गए तीन संदिग्ध आतंकवादी। यूपीएटीएस की मदद से प्रयागराज से धरा गया पाक प्रशिक्षित जीशान। यूपी के कई जिलों में सूबे के एटीएस की छापेमारी। आईएसआई से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। दिल्ली पुलिस को 4 आरोपियों को मिली 14 दिन की रिमांड। जीशान और आमिर जावेद की दोपहर में होगी पेशी। सफदरजंग अस्पताल में कराई गई संदिग्ध आतंकियों की मेडिकल जांच, बाद में पुलिस रिमांड में सौंपा गया। गिरफ्तार किए गए आमिर जावेद के पिता ने कहा, मेरे घर से तीन लोगों को ले जाया गया, तीनों मेरे बेटे हैं। असलम जावेद ने कहा, अब्दुल्ला प्राइवेट नौकरी करता है, मोहम्मद जोमैटो का काम करता है, आमिर जावेद मीट फैक्ट्री में हलाल सुपरवाइजर। आरोपियों के परिवार से पूछताछ। धारावी में जान मोहम्मद की दो बेटियों और पत्नी को पुलिस स्टेशन लाया गया। प्रयागराज में डॉक्टर बंसल की हत्या से जुड़ा एक और आरोपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। अबरार मुल्ला घर के ऊपर था 50,000 का इनाम। काबुल में भारत मूल के सिख को आतंकियों ने किया था अगवा, अब तक सुराग नहीं। योगी के अब्बा जान वाले बयान पर जारी है सियासी घमासान। अखिलेश ने सीएम को दी भाषा की दुहाई। अब्बा जान वाले बयान को लेकर योगी पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। ट्वीट किया, जो नफरत करेगा वो योगी कैसा। राहुल के वार पर योगी का पलटवार। लिखा, अपराधियों पर बुलडोजर चलाना, अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। योगी के अब्बा जान वाले बयान पर ओवैसी ने खोला मोर्चा। कहा, काम किया होता तो इस तरह के बयान की नौबत नहीं आती। आम आदमी पार्टी ने योगी के बयान पर उठाए सवाल। मनीष सिसोदिया बोले, अभी अम्मी जान की भी होगी चर्चा। तेजस्वी यादव ने कहा, काम नहीं किया इसलिए धर्म और जाति की राजनीति कर रही है बीजेपी। पश्चिम बंगाल बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास मिला कच्चा बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों का की कामयाबी। उपचुनाव के लिए ममता के नामांकन पर्चे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, दीदी ने नहीं किया पहले के मामलों का जिक्र। समस्तीपुर के महेशपुर पंचायत में करोड़ों की लागत से बना जल जीवन हरियाली पार्क बहाल। 12 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने किया था उद्घाटन। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले जयराम ठाकुर। कहा, आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा। 24 सितंबर को वाशिंगटन में कोर की बैठक में लेंगे हिस्सा प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान समेत कई मसलों पर होगी चर्चा। ओवैसी ने फिर उठाया तालिबान का मुद्दा। मोदी सरकार से किया सवाल, बताएं आतंकी मानते हैं या नहीं। तालिबान के खिलाफ जारी अफगानिस्तान के लोगों की नाराजगी। कांधार में विरोध प्रदर्शन। कांधार में जबरन विस्थापन के विरोध में 3,000 परिवार सड़क पर उतरे। पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों की पिटाई। काबुल में मस्ती करते दिखे तालिबान के लड़ाके। सिटी पार्क में उठाए जॉय राइड के लुत्फ। चित्रकूट में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से दो सगी बहनों समेत 4 बच्चियों की मौत। पंजाब के फजिलका में लोगों का विरोध प्रदर्शन। 17 साल के युवक की मौत से लेकर पुलिस के खिलाफ की गई नारेबाजी। पंजाब के मुक्तसर में मां के सामने एक नौजवान की पिटाई। गांव वालों ने लगाया नशे के सौदागर होने का आरोप। आसनसोल में हाईवे पर हादसे के बाद जोरदार बवाल। नाराज लोगों ने की तोड़फोड़। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ की कीमत की स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। भिवानी में स्वास्थ्यकर्मियों का विरोध प्रदर्शन। 6 महीने के बकाए वेतन की मांग। बिजनौर में गोली मारकर कारोबारी की हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। लखनऊ में एक शख्स ने जमकर एक महिला की पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। बिहार के छपरा में प्राचीन मंदिर से भगवान की बेशकीमती मूर्ति चोरी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में मेन होल में फंसी महिला। एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। एक शख्स ने अंदर के घर में फांसी लगाकर दी जान। साहूकारों के कर्ज से था परेशान। रक्सौल में सराफा कारोबारी की हत्या के बाद हंगामा। लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। हमीरपुर में स्कूल जा रही साइकिल सवार छात्रा को ट्रक ने कुचला। नाराज छात्राओं ने लगाया जाम। पंजाब के फरीदकोट में नशे के तस्करों पर शिकंजा। एक कार से 27,000 नशीली गोलियां बरामद। मेरठ के हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने आईसीयू में घुसकर नर्सिंग स्टाफ से की मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज। गुजरात के अमरेली में समुद्री तूफान ने फंसी बोट। मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की दी है सलाह। पहली बार विदेशी धरती में लगेगा महाराणा प्रताप की मूर्ति। दुबई में स्थापित की जाएगी 12.5 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा। तनिष्क ने लॉन्च की कानों के आभूषण की नई वैरायटी। मीरा राजपूत की मौजूदगी में हुई लॉन्चिंग। बहराइच में अगवा करने वालों का मुकाबला करने वाली छात्रा का सम्मान। आरोपी का अब तक सुराग नहीं। 17 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। 1 से 2 पेट्रोलियम पदार्थ किए जा सकते हैं जीएसटी के दायरे में शामिल।
आयात शुल्क में कटौती के बाद नहीं घटे तेल के दाम, सरकारी खजाने को 4600 करोड़ के नुकसान के बावजूद लोगों को नहीं मिली राहत। मजदूरों के ना लौटने से सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की बड़ी मुश्किल, कोरोना काल में गए 1.25 लाख मजदूरों के ना लौटने से संकट। मार्च 2022 तक शॉर्ट टर्म के लिए कोविड इंश्योरेंस पॉलिसियां जारी कर सकती हैं बीमा कंपनियां, IRDAI ने दी मंजूरी। अब फास्टैग से हो जाएगा पार्किंग का पेमेंट, पेटीएम ने DMRC के साथ मिलकर शुरू की देश की पहली फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग सुविधा। गूगल पर अब जल्दी डार्क मोड में सर्च करने का विकल्प मिलेगा, कम रोशनी में काम करते हुए आंखों पर नहीं पड़ेगा जोर।